हेलो स्टूडेंट्स, वी मेट यू अगेन। तो देखिए, आज हम आप लोग को बायोलॉजी में क्या बताने वाले हैं, तो हम आप लोग को आज बायोलॉजी में संक्रामक रोग के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है, कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो आज आप लोग का टॉपिक क्या है, तो अनकम्युनिकेबल डिसीज। टॉपिक क्या है, अनकम्युनिकेबल डिसीज, जिसे हम क्या कहते हैं, असंक्रामक रोग। इसे हम क्या कहते हैं, असंक्रामक रोग। अब देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि असंक्रामक रोग क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, असंक्रामक रोग एक ऐसा रोग होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग के कोई भी एक जीवधारी होता है, उस जीवधारी में हर एक जो बीमारी होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के छुआछूत से क्या होती है, नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बिना किसी छुआछूत के होती है, उसे हम क्या कहते हैं, असंक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, असंक्रामक रोग ऐसा रोग होता है जो एक दूसरे मनुष्य के द्वारा क्या होता है, नहीं फैलता है। तो इस ऐसे बीमारी को हम क्या कहते हैं, असंक्रामक रोग। अब देखिए, इसका रीजन क्या होता है, तो इसका रीजन जो होता है, वो मेन रीजन क्या होता है कि हम लोग के बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसकी डिसबैलेंसबिलिटी से होती है, मतलब उसकी गड़बड़ी के कारण होती है। तो देखिए, असंक्रामक रोगों में ऐसे रोग होते हैं जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेज की वजह से होते हैं, या फिर हार्मोन की किसी भी गड़बड़ी या फिर किसी भी केमिकल की गड़बड़ी के कारण होते हैं, ठीक है। तो असंक्रामक रोग में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, फॉर हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो असंक्रामक रोग का एग्जाम्पल क्या होता है, तो जैसे में डायबिटीज, क्या होता है, तो डायबिटीज, जिसे हम क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसे कहते हैं मधुमेह। इसे क्या कहा जाता है, मधुमेह। अब देखिए, जो अगली बीमारी है असंक्रामक रोग की कौन सी है, तो क्या है, बीपी है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो रक्तचाप कहते हैं, ठीक है। और एक और बीमारी है जिसे हम क्या कहते हैं, असंक्रामक रोग कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, हृदय रोग। इसे हम क्या कहते हैं, हृदय रोग, ठीक है। यह एक ऐसा बीमारी होता है, ठीक है, जो हम लोग के शरीर में हार्मोनल गड़बड़ी की वजह से क्या होता है, होता है। तो देखिए, अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि जो असंक्रामक बीमारियां होती है ये किसके कारण होती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट रीजन है, इसके क्या कारण है, तो जो पहला कारण है वो क्या है, हार्मोनल हार्मोनल डिसबैलेंसिबिलिटी। शरीर में केमिकल रिएक्शन होता है, हार्मोन का स्राव होता है, तो उसकी गड़बड़ी के कारण क्या हो जाती है, तो हम लोग के शरीर में ये असंक्रामक रोग हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग के शरीर में जो ब्लड होता है उसका जो फ्लो होता है, कभी कभी हाई और लो होने के कारण उसके वजह से क्या हो जाता है, तो बीपी हो जाता है, ठीक है, मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इन रोगों के बारे में बताते हैं। और क्या होता है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब भी स्मोकिंग वाले चीजों को लेते हैं, मतलब ड्रग्स हो गया या फिर स्मोकिंग हो गया, जब भी हम लोग कोई क्या करते हैं, नशे वाले पदार्थों को कंज्यूम कर लेते हैं, तो नशीले पदार्थों के सेवन से भी क्या होता है, तो नशीले पदार्थों के सेवन के कारण भी क्या हो सकती है, तो असंक्रामक रोग हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, जो अगला लक्षण है वो क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, अधिक स्ट्रेस, जो भी मतलब क्या होती है मेंटली, मतलब टेंशन की वजह से भी क्या होती है, यह जो हम लोग के बॉडी में होता है वो असंक्रामक रोग हो सकता है, ठीक है। तो इसमें यह क्या होता है, अत्यधिक सोच
सोचने से, अतिरिक्त सोचने के कारण भी क्या हो सकती है हम लोग के बॉडी में, तो असंक्रामक रोग हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या जानना है, तो डायबिटीज के बारे में जानना है। ठीक है, व्हाट इज डायबिटीज, मधुमेह क्या होता है। तो देखिए, हम सबसे पहले मधुमेह के बारे में बताएंगे, इसे हम क्या कहते हैं, मधुमेह, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो डायबिटीज। ठीक है, अब देखिए डायबिटीज क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, ये असंक्रामक रोग कैसे होता है, हम लोग के बॉडी में क्या होता है, एक ग्लैंड होती है। ठीक है, जितने भी हम लोग के बॉडी में क्या होते हैं, हार्मोन सिक्रेट होते हैं, हार्मोन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, तो उन हार्मोन का सिक्रेशन कौन करता है, तो ग्लैंड्स करती हैं, ग्रंथियां करती हैं। तो देखिए, हम लोग के बॉडी में क्या होता है, एक पैनक्रियाज नामक क्या होती है, ग्लैंड्स होती है। इसमें क्या होता है, तो पैनक्रियाज नामक क्या होती है, एक ग्लैंड होती है, ग्रंथी होती है। इस ग्लैंड में क्या होता है, इंसुलिन नामक हार्मोन होता है। क्या होता है, तो इंसुलिन नामक क्या होता है, हार्मोन होता है। इसी हार्मोन की क्या होती है, जब हम लोग के बॉडी में सिक्रेशन कम हो जाती है, ठीक है, इस इंसुलिन नामक हार्मोन की जब कमी हो जाती है हम लोग के बॉडी में, तो ये क्या काम करता है हम लोग के बॉडी में, जो भी क्या होता है, शुगर लेवल होता है, ये शुगर लेवल को क्या करता है, ये शुगर लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो हम लोग के बॉडी में पैनक्रियास ग्लैंड होती है, उसमें कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, तो इंसुलिन नामक हार्मोन सिक्रेट होता है। ठीक है, और यही हार्मोन क्या करता है, हम लोग के बॉडी में शुगर लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो देखिए क्या होता है कि इस ग्लैंड में, पैनक्रियास में क्या होता है, इंसुलिन नामक हार्मोन की क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, मतलब इसका सिक्रेशन कम होने लगता है। अब देखिए, इसके सिक्रेशन की कमी की वजह से क्या होता है, हम लोग के बॉडी में ये जो डायबिटीज नामक ये जो डिसीज होती है, ये क्या होती है, होने लगती है। और इसमें क्या होता है कि जो हम लोग के बॉडी में ब्लड में क्या होता है, शुगर होता है, उस शुगर की मात्रा क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है। और शुगर की मात्रा बढ़ने के कारण क्या होता है, जो हम लोग का बॉडी होता है, उसमें क्या होता है, कुछ गड़बड़ी होने लगती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग के बॉडी में शुगर लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, तो क्या होने लगता है, तो यूरिन की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, यूरिन की मात्रा क्या हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है। यूरिन की मात्रा क्या होती है बॉडी में, अत्यधिक हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है कि जो यूरिन होता है, इसका सेक्रेशन क्या होता है, बार बार होने लगता है। ठीक है, और ये जो हम लोग के बॉडी में क्या होता है कि ये जो गॉल ब्लैडर होता है, इसमें जो क्या होता है, पित्ताशय होता है, पित्तरस होता है, बाइल जूस होता है, वो भी क्या होता है, उसका भी सेक्रेशन अधिक होने लगता है, जिसके वजह से हम लोग के ब्लड में क्या होता है, ये जो गॉल ब्लैडर का बाइल जूस होता है, इसकी भी मात्रा क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। और हम लोग के पूरे ब्लड में क्या होता है, जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसमें क्या होता है, पूरा ब्लड क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है। ठीक है, तो वही क्या होता है, इसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो बार बार क्या होता है, यूरिन होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग के बॉडी का जो वेट होता है, ये वेट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, वेट भी क्या हो जाता है, तो वेट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी ब्लड होता है, इस ब्लड में क्या होता है, शुगर बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, और शुगर अधिक होने के कारण ये सारी क्या होती है, तो हम लोग के शरीर में मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, अब हमें जानना है जो नेक्स्ट बीमारी क्या है। तो देखिए, हम लोग अपने बॉडी में इसको शुगर लेवल को कम करने के लिए क्या किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, शुगर की मात्रा कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शुगर को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग अब क्या करते हैं, शुगर को कम लेते हैं। ठीक है, शुगर की मात्रा जो होती है फूड में क्या करते हैं, कम इंटेक करते हैं। और ये शुगर कैसे होता है, तो देखिए शुगर जो होता है, इसमें जो शुगर में क्या होता है, जो
चीनी की मात्रा होती है वो क्या होती है, कंट्रोल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उसकी मात्रा क्या हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शुगर वाले व्यक्ति होते हैं, इनके कहीं भी हाथ पैर कट जाने की वजह से क्या होता है, वो चोट जल्दी सही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पे जो नई सेल्स होती है वो सेल्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां का जो शुगर लेवल होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका कौन सा है, तो देखिए अब हमें ये जानना है कि इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो इसे हम कंट्रोल एक्सरसाइज करके, क्या करके, तो एक्सरसाइज करके, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे मेडिसिन होती है जो शुगर लेवल को क्या करती है, कम करती है, तो उनको लेने से क्या होता है, शुगर की मात्रा बॉडी में कंट्रोल हो सकती है। और इसको सबसे अधिक कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो शुगर को कम लेना पड़ता है। ठीक है, और जितने भी न्यूट्रिएंट फूड होते हैं, क्या होते हैं, तो न्यूट्रिएंट फूड होते हैं, मतलब पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों की मात्रा क्या होनी चाहिए, अत्यधिक लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट डिसीज क्या है, जो असंक्रामक रोग की जो अगली बीमारी कौन सी है, तो अगली कौन सी बीमारी है, ब्लड प्रेशर। अगली असंक्रामक रोग कौन सा है, तो ब्लड प्रेशर है, जिसे हम क्या कहते हैं, रक्त चाप कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, तो रक्तचाप कहा जाता है। अब सोचते होंगे आप लोग व्हाट इज ब्लड प्रेशर, रक्तचाप क्या होता है, तो देखिए रक्तचाप जो होता है इसका अर्थ होता है रुधिर का क्या होना, जो बहाव हम लोग के शरीर में होता है, जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत अधिक दाब के साथ क्या होने लगता है, पूरे शरीर में दौड़ने लगता है। ठीक है, तो देखिए क्यों होता है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब भी शुगर की मात्रा अधिक ले लेते हैं या फिर सोडियम क्लोराइड की मात्रा हम लोग के बॉडी में अत्यधिक हो जाती है, तो जिसके वजह से हम लोग के बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, हाई हो जाता है। और सबसे इसका मेन रीजन होता है, तो ये क्या होता है, जितने भी क्या होते हैं वसीय पदार्थ होते हैं, किसके कारण होता है, तो वसीय पदार्थ हो मतलब क्या होते हैं, जितने भी फैटी सब्सटेंस होते हैं, क्या होते हैं, तो जितने भी फैटी सब्सटेंस होते हैं मतलब क्या होते हैं, वसीय पदार्थ होते हैं, इनको लेने से हम लोग के बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक प्रकार का ये वसा का क्या है, रूपांतरण है। तो जब भी हम लोग के बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तो जो हम लोग का ब्लड का जो वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है मतलब धमनी और सिराए होती है, उसकी जो दीवारें होती है वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है, मोटी और सकरी हो जाती है, जिसकी वजह से इस वेसल्स में ब्लड का जो बहाव होता है वो क्या होता है, सही से नहीं हो पाता है। और जब उसमें ब्लड क्या होता है बहुत प्रेशर के साथ बहता है, तो वही क्या होता है, इस नसों पे क्या होता है, दाब पड़ता है। ठीक है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं। ठीक है, तो ये बीपी जो होता है हम लोग के बॉडी में, जब भी हम लोग क्या होते हैं, जब भी हम लोग के बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हो जाती है अधिक या फिर सोडियम क्लोराइड की मात्रा, तो जो ब्लड का प्रेशर होता है वो ब्लड वेसल्स में बहुत हाई होने लगता है, कभी स्लो तो कभी हाई होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम लोग के शरीर में क्या हो जाता है, रक्तचाप हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रक्तचाप, मतलब ब्लड का जो दबाव होगा वो हम लोग के नसों में बहुत अधिक तेजी के साथ क्या होता है, बहने लगता है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना चाहिए, कम से कम स्मोकिंग करना चाहिए, मतलब जो भी नशीले वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है, उसको कम से कम कंज्यूम करना चाहिए, और डेली के डेली क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। और नेक्स्ट जो है उसमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें तले हुए फूड, जितने भी फैटी एसिड फैटी सब्सटेंस होते हैं, मतलब जितने वसीय पदार्थ होते हैं, तेल घी मक्खन, ये सब हमें क्या करना चाहिए, कम लेना चाहिए, जिसके वजह से हम लोग के बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखिए वही बात करें कि जो मीठा होता है हमें शुगर भी क्या करना चाहिए, कम मात्रा में लेना चाहिए। और नेक्स्ट जो है वो क्या है, तो हम लोग
को क्या करना चाहिए, सोडियम, उस समय नमक भी क्या करना चाहिए, जब भी ब्लड प्रेशर हाई होता है तो नमक भी क्या करना चाहिए, कम खाना चाहिए, ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग का ब्लड प्रेशर क्या हो सकता है, तो कंट्रोल हो सकता है। इसमें क्या करना चाहिए, शुगर और नमक, जिसे हम क्या करते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको क्या करना चाहिए, कम लेना चाहिए, ठीक है। और जो भी स्मोकिंग होती है या फिर नशीले पदार्थ होते हैं, तो नशीले पदार्थों को भी क्या करना चाहिए, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो भी मतलब टेंशन हो होती है, जो भी मानसिक टेंशन होती है, उसको भी क्या करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मानसिक टेंशन से क्या होता है, मेंटली टेंशन से ये जो हम लोग का बीपी होता है, ये उस टाइम में क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है। तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए हमें इन सब बातों का क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग का बीपी होता है, ये बीपी किससे मापा जाता है, तो स्फैग्नोमोनोमीटर, किससे, तो स्फैग्नो मोनोमीटर, मोनोमीटर द्वारा क्या किया जाता है, तो बीपी को मापा जाता है, ठीक है। जो हम लोग का जो भी मतलब ये बीपी होता है हम लोग के बॉडी का, वो सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो एक सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर बोला जाए, एक सामान्य मनुष्य का क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी होता है, वो कितना होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, 80 से 120 से 80 होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो तरह से होते हैं, जो भी ब्लड का फॉर्मेशन होता है हम लोग के बॉडी में, जाने आने का होता है, तो वो दो तरीके से मापा जाता है, एक क्या होता है मैक्सिमम होता है, और एक क्या होता है मिनिमम। तो जो भी हम लोग के बॉडी में जब ब्लड प्रेशर को मापा जाता है स्फैग्नोमैनोमीटर से, तो वो दो तरह से मापक बताता है, एक ब्लड को जाने का माप बताता है, ब्लड को आने का। तो जो ब्लड का को जाने का माप होता है पूरे शरीर में, वो 120 होता है, और जो मतलब मिनिमम होता है, मैक्सिमम बीपी कितना होता है, तो 120 होता है, और जो मिनिमम होता है कितना होता है, तो 80 होता है, ठीक है। तो एक सामान्य मनुष्य का रुधिर चाप जो होता है वो कितना होता है, तो 120 से 80 होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बीमारी आपकी कौन सी है, जिसे हम क्या कहते हैं, हृदय रोग कहते हैं। अगली बीमारी कौन सी है, तो हृदय रोग है, ठीक है। अब देखिए हृदय रोग क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रूमेटिक डिसीज। रूमेटिक हार्ट डिसीज, हृदय रोग को हम क्या कहते हैं, रूमेटिक हार्ट डिसीज कहते हैं। अब देखिए हृदय रोग क्या होता है, तो इस हृदय रोग में क्या होता है कि जो हम लोग का बॉडी होता है, हृदय जो होता है बॉडी में क्या होता है, हृदय होता है, इस हृदय में क्या होते हैं, वॉल्व लगे होते हैं, इस हृदय में क्या होते हैं, वॉल्व लगे होते हैं, जो ब्लड को आने जाने का क्या करते हैं, मतलब इसके आने जाने के प्रोसेस को क्या करते हैं, स्लो और जो फास्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इस वॉल्व में जो भी ये हार्ट का हम लोग के हृदय का क्या होता है, जो हृदय का वॉल्व होता है, इस वॉल्व में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन किसके कारण होता है, तो एक प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। जो हृदय रोग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रूमेटिक हार्ट डिसीज, इसमें क्या होता है, जो हम लोग के हृदय में वाल्व लगा होता है, जो ब्लड को आने जाने का क्या करता है, रास्ता देता है, उसके मात्रा को कंट्रोल करता है,
तो इसमें क्या होता है, जो भी हम लोग के हार्ट का वॉल्व होता है उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, और उस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने के कारण जो हम लोग के ब्लड जो भी वॉल्व होता है, हार्ट का वॉल्व होता है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। तो हृदय के वॉल्व के खराब होने के कारण जो हम लोग के बॉडी में क्या होता है, जो ब्लड का प्रेशर होता है वो क्या होता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, तो रूमेटिक हार्ट डिसीज कहते हैं, मतलब हृदय रोग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये अक्सर करके 5 से 15 साल के क्या होता है, बच्चों में होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो भी हम लोग के हड्डी को, जो भी बोन के क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, क्या होते हैं, हड्डियों के जोड़ होते हैं, उसमें क्या होने लगता है, तो दर्द होने लगता है, ठीक है। और तेज क्या हो जाता है, तो बुखार आने लगता है। जो हृदय एक बीमारी होती है, हृदय रोग है, इसमें पहला बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो हृदय का वॉल्व होता है वो खराब हो जाता है, और इसके खराब होने से क्या होता है, तो बोन का जो ज्वाइंट होता है, जो जोड़ों का जोड़े होती हैं हड्डियों की, वहां पे बहुत तेज दर्द होने लगता है, और बुखार भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि पूरे शरीर में सूजन आ जाता है, पूरे शरीर में क्या होता है, स्वेलिंग होने लगती है, स्वेलिंग बोले तो सूजन, ठीक है। और मांसपेशियां भी क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, तो जो मांसपेशी हो जाती है, ये मांसपेशी भी क्या हो जाती है, तो कमजोर हो जाती है, ठीक है। इन्हीं के वजह से क्या होता है, ये हार्ट जो रूमेटिक डिसीज होता है ये होता है, ठीक है। तो ये आप लोग का है असंक्रामक रोग के बारे में। आई होप आप लोग को ये असंक्रामक रोग वीडियो पसंद आया होगा। देखिए यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।